जिस उद्देश्य से बना, जिन्होंने बनाया, पूरे गठबंधन की छुच्छी खोल करके हवा निकाल दी नीतीश जी ने। और नीतीश जी आ गए एनडीए में, जो बची कुची हवा थी जैन जी खोल दी है, निकल गया। ममता जी बंगाल जवाब दे दिया, पंजाब जवाब दे दिया, बचा कौन है? कुछ बचा है? देखिए, लंबे समय तक किसी को गुमराह करके धोखा नहीं दिया जा सकता है। आज़ादी के 75 साल हो गए, आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, बसपा ने किया, सपा ने किया, इतना विकास किया कि आज 1% नौकरियों में नहीं है। पिछड़े समाज के लोगों के साथ कांग्रेस ने, बसपा सपा ने इतना विकास किया कि आज नारी गोण पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरक अर्कवंशी बंजारा बेहिया कंगार दुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेखियर पठान, कितना विकास किया है। पिछड़ों का हक लूटा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, हक लूटा पिछड़ों का। हक कहाँ दिया? 1531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में, आप बताओ किस थाने पर हिस्सेदारी है किस समाज की? खाली वोट के लिए हमको गुमराह किया जाता है। कोई भाजपा के खिलाफ बताता, कोई हिंदू मुसलमान की बात करता है, कोई नफरत की बात करता है, इससे नहीं देश चलेगा। देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा है। संविधान के पहले पन्ने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। संविधान के दायरे में जो व्यवस्था है, जो सरकार की तैयारी होती है समाज को देने के लिए, वो सबको बराबर मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी लिखा है, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं अपने धर्म के हिसाब से उनको पूजा पाठ करने का अधिकार है, कोई रोक नहीं है संविधान में। तो संविधान के दायरे में हमारा जो हिस्सा है, चाहे वो शिक्षा के सवाल पे हो, हमको बेहतर शिक्षा मिले, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बने, हमको रोजगार मिले, हमको नौकरी मिले, हमको देश में अमन चैन भाईचारा मिले, इस बात को लेकर के लड़ाई कहाँ हो रही है आज देखिए। कल तक भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी, हिंदू मुसलमान के बीच की बात होती थी, आज अब तो एक दिन मैंने देखा है आप लोगों के टीवी पर चल रहा था कि मोदी भाई जान, बोलो और कोई योजना बता दो। लाख दुश्मन बीजेपी हो मुसलमानों की, कोई योजना बता दो जिस योजना का लाभ मुसलमान को न मिल रहा हो, सिख ईसाई जैन फारसी को न मिल रहा हो, कोई धर्म हो जिसको न मिल रहा हो। और दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार रहती थी यहीं दंगे होते थे, सपा की गवर्नमेंट में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, दूध के लिए बच्चे तरसते थे, दाल के लिए सब्जी के लिए लोग तरसते थे। 7 साल से यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट, देश में 10 साल से सरकार है, आप बताओ यूपी की हम बात करें, हम यूपी में खड़े हैं, एक भी दंगे हुए? कहीं कर्फ्यू लगा? आज मुसलमानों के बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, अब वो डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनने के लिए उधर ध्यान किए हुए हैं, उनका ध्यान अब वो नफरत की तरफ नहीं है, वो अपने विकास की तरफ है कि हम विकास के पथ पर कैसे जाएं। ये लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में कांग्रेस ने धोखा दिया, सपा ने धोखा दिया, साफ बसपा आसपा साफ धोखा दे दिए हैं। अब ओम प्रकाश राजभर ने नारा लगाया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, खुद को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है।